वाह जाते वाट अमेरिकन है टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड थे। आज मैं तुम्हें दस आगा कि आप फिल्मोरा ऐप पे जो कि है वीडियो एडिटिंग कैसे करें प्रोफेशनली तरीके से। प्रोफेशनली तरीके से हम इसकी कलरिंग सेटिंग कर सकते हैं, प्रोफेशनली तरीके से इसका हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, प्रोफेशनली तरीके से इसको कट करके हम अपना जो एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो का वो कैसे डिलीट करें। और सभी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फिल्मोरा ऐप पर हम कैसे कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग वो भी प्रोफेशनली तरीके से। अगर आप ये सभी बातें जाननी है तो कृपया करके इस वीडियो पर बने रहना, इस वीडियो बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और ऐसे ही मैं आपको बातें बताता रहता हूँ इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और कोई भी आपके डाउट हो फिल्मोरा ऐप को लेकर वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आज चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिटिंग करें फिल्मोरा ऐप की। चलो हम बढ़ते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ जी, जैसे कि आप सब लोग देख ही सकते हैं कि हम अपनी आ गया कंप्यूटर स्क्रीन के फिल्मोरा वंडरशेयर ऐप पर। जैसे इधर से हमको कोई भी फाइल अगर हमने लेनी है तो इधर से हम इनपुट मीडिया फाइल पर क्लिक करके हम कोई भी फाइल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर सेलेक्ट की हुई है फाइलें, मैं इसमें से फाइल लूँगा। जैसे कि मैंने ये वाली फाइल लेनी है, मैंने सिंपल सा प्लस के साइन पर क्लिक जैसे इतना करूँगा तो इधर जैसे ही आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि इधर आ गई है हमारी जो कि है फाइल जो कि हमें एडिट करनी है वीडियो। हाँ जी, फिर सिंपल सा जैसे कि मैं आपको चला के बताता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम इस वीडियो का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे कि ये एक्स्ट्रा पार्ट लग रहा है, एक्स्ट्रा पार्ट मुझे कैसे लग रहा है, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग करोगे, जैसे कि मैंने इधर बोल रहा हूँ, इधर आप देख सकते हैं नीचे लाइन सी, अगर लाइन सी ऐसे खाली है तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे वीडियो जो कि है कट करनी है। तो सिंपल सा ये एरो जो कि है मैं यहाँ पर ला के और इधर से कट कर दूंगा। फिर इसको जहाँ पर भी कट, ये देखो जैसे कट हो गया तो यहाँ पर भी कट करना है, वहाँ पर एरो रखो, फिर इधर सिंपल सा कर दो कट। जैसे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो भी है पार्ट वो कट हो चुका है। अगर हम ये नहीं कट करना तो सिंपल सा फिर मुझे इधर एरो पर क्लिक करूँगा तो फिर ये जो कि है पार्ट वो जुड़ जाएगा। देखो सिंपल सा, अगर मुझे कट करना तो इधर से कट कर, अगर मैं इस पार्ट को डिलीट करूंगा तो इस पर क्लिक कर, जैसे कि ये आपके सामने ये लाइन आ चुकी है, मतलब कि ये पार्ट मुझे सेलेक्ट किया है, इधर सिंपल सा डिलीट करूंगा। जब आप अपने कीबोर्ड पर भी डिलीट का बटन दबा के डिलीट कर सकते हो, जैसे कि आपके सामने ये पार्ट डिलीट हो चुका है। अभी इसमें से मैं कोई भी, जैसे कि ये मेरी वीडियो है, इसमें से मैं कोई वीडियो क्रॉप करूंगा अपने फेस पर, जैसे कि आप देख ही सकते हो। क्रॉप करने के लिए इधर से मैं एरो को सिलेक्ट करूंगा, जितनी वीडियो रखनी है उतनी, और ये स्क्रीन पर आप देख ही सकते हो कि जो कि है वीडियो वो इधर मुझे बता रहा है कि कितनी क्रॉप हो रही है। जैसे कि मैं अपने फेस पर फोकस करूंगा तो उतनी वीडियो क्लिक हो जाएगी, यहाँ से सिंपल सा ओके कर दो तो आपकी उतनी वीडियो कट हो जाएगी। जैसे मुझे नहीं लग रहा कि मैं इधर कट करूँगा तो मैं सिंपल सा ओके कर देता हूँ, जो कि वीडियो मेरी उतनी ही है। और आगे इसका कलर जैसे कोई भी चेंज करना है तो इधर डबल टैप करोगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने भी, तो इधर से आप एडवांस पर जाकर भी कलर सेटिंग कर सकते हो।
जैसे आप देख सकते हो कि इधर कलर चेंज हो रहे हैं। इधर से आप कलर अपने चेंज कर कर भी कर सकते हो। अगर आपके कलर जी सही हो जाते हैं फिर इधर से ओके करके भी कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो क्या वीडियो में जो कि बैकग्राउंड नॉइस है वो कैसे रिमूव कर सकते हो। सिंपल सा इधर वीडियो लिखा है, इधर ऑडियो लिखा है, इधर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि इधर लिखा है रिमूव बैकग्राउंड नॉइस। इधर आप सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। अगर आपकी वॉल्यूम की वॉइस कम है वीडियो की वॉल्यूम इसको बढ़ा देना है तो आपकी जो कि है वीडियो की वॉइस वो बढ़ जाएगी। फिर आप इधर से ओके करके सिंपल सा देख ही सकते हो कि नॉइस जो किया वो कट हो गई है जो कि हमारी सिंपल सी वीडियो। आप इधर से भी कर सकते हो, अगर डबल टैप आपको नहीं करना तो सिंपल सा इधर से करके आप कर सकते हो ये वीडियो का ये ऑडियो का। अगर आपने इधर से कोई भी ऑडियो अपनी रिमूव करनी है वीडियो के अंदर आप राइट क्लिक कर जहाँ पर लिखा ऑडियो डिटच उसको कर दोगे तो आपकी जो आप देख ही सकते हो कि हमारी जो की है वॉइस वो अलग होगी या वीडियो अलग होगी है। फिर हमने सिंपल सा जो भी हमको वीडियो में वॉइस नहीं चाहिए तो सिंपल सा हम इधर से कट करेंगे इसको सिलेक्ट करके पहले, फिर इधर करके इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर से सिंपल सा डिलीट कर देंगे तो आप देख ही सकते हो कि हमारी इतनी जो कि यह वॉइस वो कट हो गई है और इसमें वॉइस नहीं आएगी। वॉइस नहीं आएगी। हाँ अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इधर टाइटल कैसे लिखें अपनी जो कि यह वीडियो का। टाइटल लिखने के लिए हमने सिंपल सा इधर टाइटल पर क्लिक करना है। टाइटल पर क्लिक करके हम हमारे सामने ऐसे टाइटल आ जाएंगे जो भी हमको सेलेक्ट करना है। आप इसको नीचे नीचे करोगे आपके सामने देखो बहुत सारे टाइटल आ जाएंगे। ये सभी टाइटल है आप इधर से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी ये टाइटल लगाऊंगा अपनी वीडियो के अंदर तो सिंपल सा इधर मैंने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है तो आप जैसे देख सकते हो हमारा टाइटल जो कि है इधर आ गया। अभी इसको मैं टाइटल को करूंगा अपने जैसे कि नाम लिखूंगा। टेक्नोलॉजी लिखा है टेक्नोलॉजी आ गया। फिर इधर करूंगा इधर भी लिखूंगा नाम अपना जैसे कि नाम लिखा। फिर इसको अब हम एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये एडजस्ट कर आपको बताता हूँ। आप अपनी वीडियो की अपने हिसाब से टाइटल लिख सकते हो और उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही आपका जो कि टाइटल वो हो जाएगा एडजस्ट जैसे कि मेरा नहीं हुआ अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सिंपल सा इधर क्लिक करके जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो हमारा टाइटल जो कि है लग गया। हम इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं इधर कलर पर आके
जैसे कि मैंने ये कलर सेलेक्ट किया और ये कलर हो गया। फिर सिंपल सा मैं ऊपर कलर पर करता हूँ, तो इधर से भी सिंपल सा कोई भी कलर ले लूँगा मैं जो कि वीडियो में अच्छा लगे। आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा कलर आपकी वीडियो में जो कि अच्छा लगता है। और कलर सेलेक्ट हो गया, जैसे कि सिंपल सा हमें इधर से ओके कर देना है। ओके कर कर अगर आप इसको पूरी वीडियो में दिखाना चाहते हो, इसको बड़ा छोटा जितना मर्जी कर सकते हो शुरू से लेके। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो हमारा इधर टाइटल जो भी है वो आ गया है। अभी नहीं आएगा, वो टाइम लेके आएगा क्योंकि हमारे ये एडजस्ट है, वो वैसे किया है। इधर से आप टाइम भी इसका सेलेक्ट कर सकते हो कि एडवांस पर जाकर देखो। जैसे कि मुझे शुरू से लेकर आना है तो मैं इसको सिंपल सा इधर से शुरू से लेके आ। आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप इसको बड़ा कर सकेंगे तो ओके ओके। अभी बताता हूँ आपको। अभी देखो हमारी वीडियो चल रही है, देखिए हमारा जो कि है टाइटल वो आ गया है। वो नीचे से भी जो क्या है टाइटल हमारी वीडियो का वो आ गया, टाइटल चैनल का आ गया है। फिर आपको इसमें म्यूजिक लगाना है तो इधर से म्यूजिक सेलेक्ट करके भी लगा सकते हो। मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इससे हमारी वीडियो पर कॉपीराइट आ सकता है। अगर आपने यूट्यूब पर कोई म्यूजिक नोट कॉपीराइट सर्च किया होगा तो सिंपल सा मीडिया पर जाके इधर आ जाएगा, वो सेलेक्ट करके आप लगा सकते हो। अगर ये आपको लगाना है वीडियो के अंदर तो इसको राइट क्लिक कर कर आप अप्लाई टू पीआईपी पर क्लिक करोगे तो आप जैसे देख सकते हो हमारे इधर आ चुका है वीडियो के नीचे। जैसे कोई भी आप प्रोफेशनली वीडियो एडिट करते हो तो हमारी वीडियो में ये कोई मिस्टेक हो जाती है आप लगाना चाहते हो ऐसे लगा सकते हो। अगर जैसे कि आप ये लगाना चाहते हो इसको भी वैसे ही राइट क्लिक कर कर अप्लाई टू तो आप ये लगा सकते हो। आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि इधर मैं छोटा सा कर देता हूँ मेरी वीडियो इधर चले। अभी मुझे नहीं चाहिए ये, तो मैं सिंपल सा इधर से डिलीट कर देता हूँ इसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी आपके पास सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करते हैं। तो हाँ लास्ट में एक बात तो रह गई कि हम इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं। फिल्टर इधर से आप देख ही सकते हो। अगर आपको कोई भी फिल्टर आपके वीडियो में लगाना होगा तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो इधर बहुत। अगर आपको जैसे कि ये मैंने इधर से कट किया है, आप इधर ट्रांसलेटर भी लगा सकते हो, जैसे कि मैंने ये लगा दिया है। जैसे कि आपके सामने देखो अभी मेरी वीडियो ऐसी। जो कि बहुत स्मूथली चलता है। तो इधर से हम टाइम पर भी सेट कर सकते हैं कि हमको कितना 5 सेकंड कर लीजिए, कितना बड़ा चाहिए, कितना करेंगे। इधर से हम टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
हाँ जी, अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही हमारे चैनल पर वीडियो आती रहती है इसलिए आप सभी वीडियो देखना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका जो क्या एक्सपोर्ट में, हाँ जी एक्सपोर्ट तो रहेगी एंड में, फिर आप इधर से अपना नाम नेम जो भी कोई वीडियो का है वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं इधर यूट्यूब के लिए वीडियो रेडी कर रहा हूँ, तो मैं इसका यूट्यूब लिखता हूँ। जैसे कि मैंने यूट्यूब लिखा तो इधर से हम कोई भी फाइल अपनी किस फोल्डर में सेव करना चाहते हैं उधर से फोल्डर में सेव कर देंगे। हमारी इधर साइज भी बताता है कि हमारी कितनी MB की फाइल है। अगर इधर आप देखोगे तो आप आईफोन, आईपैड, एप्पल टीवी, आईपैड, गैलेक्सी 55 स्मार्टफोन ऐसे सभी में आप कर सकते हो। अगर आप इधर से सीधा यूट्यूब में भी वीडियो डाल सकते हो इधर साइन अप करके, यूट्यूब टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स पब्लिक। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कंप्यूटर पे PC या लैपटॉप में ही वीडियो सेव कर कर ही डालना। तो सिंपल सा आप इधर से एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सपर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा आपकी वीडियो। जैसे कि ये बोल्डर शेयर का फिल्मोरा है, आपका टैग आ रहा है, अगर ये टैग हटाना तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा कि हम फिल्मोरा का, बोल्डर शेयर फिल्मोरा का ये टैग कैसे रिमूव करें। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।